आज महाशिवरात्रि का दिन है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बम बम भोले के नाम से ये जो मंदिर है गूंज रहा है। यहाँ सुबह 3 बजे से जो लोग हैं वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और देर रात्रि से ही जो लाइनें हैं वह लगनी शुरू हो गई थी। कई हजार लोग इस समय भी मंदिर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मंदिर के अंदर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद अपने आराध्य को का जलाभिषेक करेंगे और अपनी मनोकामना जो उनके दिल में है वे मांगेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो मंदिर के महंत हैं वो हमारे साथ हैं। ये विशेष शिवरात्रि है आपके और कई सालों बाद विशेष पर्व है ये और आपके तो इतनी भीड़ हुई है शायद पहले से ज़्यादा भीड़ है। प्रशासन भी हमारा मुस्तैद है, रात को 12 बजे से इसी तरह लाइन बराबर जारी है। कम से कम 8 से 10 लाख लोग आज पूरे दिन में। क्या महत्व है इस मंदिर के बारे में अगर बात की जाए? यहाँ तो विशेष महत्व ये है कि भगवान शंकर साक्षात प्रकट है। यहाँ पर रावण के पिता विष्णु शर्मा ने यहाँ पूजा की थी जिससे कि जो है यहाँ पर वह भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद यहीं पर धरती में यही ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर शिवरात्रि में यहाँ पर देखा जाता है कि जो भक्त हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं और आने के बाद आपसे उन जिज्ञासा भी रहती होगी, उनके मन में आपसे बातें भी होती होंगी, आप क्या बताते हैं उन्हें? भक्त तो यहाँ से बहुत दूर दूर से विदेशों से भी आए हैं और एक पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री आई थी, यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और जिन्होंने कभी नहीं देखा मंदिर वो भी यहाँ पर आकर के एक बार दर्शन कर जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। विशेष कृपा है यहाँ पर और यहाँ पर अब कुछ कह नहीं सकते कहाँ कहाँ से लोग आते, बहुत लोग इकट्ठे हो। विशेष कृपा है, एक बार गर्भगृह की तरफ आपको ले चलते हैं। जो दर्शक हमारे चैनल को इस समय देख रहे हैं वो यहाँ के गर्भगृह को भी यहाँ पर देखेंगे और जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो रात भर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आई? सर मैं तो यहीं से थोड़ी सी दूर से आई हूँ, MMG हॉस्पिटल से। डेली दर्शन करने भी आ जाते हैं हम तो, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर अपनी बारी? सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे। 5 बजे से समय हो गया जी सर, 1 घंटे से आप अपनी बारी का जी सर। देखिए हालांकि पास पड़ोस के रोज आना आते हैं क्योंकि इस मंदिर का जो महत्व है वह हालांकि रावण के पिता यानी कि उन रावण के पिता जो रावण सबसे बड़े शिव के पुजारी थे उनके पिता ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी विशेश्वर ने। और जो आपको लाइनें हैं वह लाइनें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी अपनी लुटिया में कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई जल लेकर आ रहा है, कोई इसमें फूल माला लेकर आ रहा है, बेल पत्थर के पत्ते लेकर आ रहा है, बेर लेकर आ रहा है, यानी कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर बम बम भोले के नाम से आज ये मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।